so our today's topic is taxonomic categories this is the part 3 of the chapter living world we were focusing for the school boards and class 11 board we can say and you are watching Mindsman mind tutorial so yeah without further ado let's get started and also if you haven't subscribed the channel yet do subscribe the channel and like the video share the video with all your dear and near ones so now let's get started टेक्सोनॉमी के बारे में पिछली वीडियो में हमने सब कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसके टाइप्स क्या होते है, सब कुछ स्टडी करा था आज हम उसका थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे और उसके आगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के ऊपर फोकस करेंगे जो टर्म टेक्सोनॉमी है तो जो टर्म टेक्सोनॉमी होती है उसे कॉइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ए पी डेकेंडोल फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस थे स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर है एल ओ यू एस होना चाहिए पर आप यहाँ एल ओ यू एस होना चाहिए पर यहाँ आप ठीक कर लेंगे फादर जो है इंडियन टेक्सोनॉमी के वो एज सेंटर पाओ हैं और ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती तो यहाँ पर इनके नाम थे अब यहाँ एक जो ज़रूरी बात तो आती है ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है इसको कभी कभी लीनियन हायरार्की का भी नाम दिया जाता है तो ये इसका एक और नाम है जिसे हमें यहाँ पर लर्न करना है तो लीनियन हायरार्की इज़ द सेम थिंग फॉर द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज सात मेन कैटेगरीज़ देखते हैं

है, आप अगर इसमें देखें तो जो ऑब्लीगेट कैटेगरीज होती है ये ऐसी कैटेगरीज होती हैं जहां जो रेंज रहती है उसमें किंगडम से स्पीशीज तक के पूरे सेवन जो कैटेगरी से से सेवन नेम्स को अगर हम मैंशन करते हैं तो उसको ऑब्लीगेट रेंज में काउंट किया जाता है वहीं जो इंटरमीडिएट रेंज होती है वो ऐसी रेंज होती है जो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती सेवन कैटेगरीज को साथ में वो जो सेवन वाली लिस्ट है वो तो यहां पर फॉलो होती है लेकिन ऑब्लीगेट लिस्ट के साथ साथ यहां पे कुछ और

तो सबसे पहले है स्पीशीज स्पीशीज स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है अभी हमने यहाँ बात की थी लोवेस्ट भी है स्मॉलेस्ट भी है बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की अगर इसको देखें तो इसके बगैर क्लासिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती है विच इज़ सिमिलर इन शेप फॉर्म एंड रिप्रोडक्टिव फ़ीचर्स एक ऐसा पॉपुलेशन सॉरी एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती है वो शेप में दिखाई देने में अपने फॉर्म में और अपने रिप्रोडक्टिव फ़ीचर्स में अगर सेम है तो उसको स्पीशीज़ कहा जाता है और स्पीशीज की एक और डेफिनेशन होती है कि इनमें अगर रिप्रोडक्टिव फीचर्स पाए जाते हैं ये फर्टाइल सिबलिंग प्रोड्यूस कर सकती है तो यहां पर स्पीशीज के अंदर आपस में जो फर्टाइल सिबलिंग है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं अब क्या होता है स्पीशीज को समझने के लिए कंसेप्ट लेंगे फॉर एक्जाम्पल अगर हम मैंगो को मैंगो की बात करें जिसको हम मैंजी फेरा इंडिका कहते हैं तो इंडिका वर्ड क्या था वहां पर मैंजी फेरा इंडिका एम और आई हम यूज कर रहे थे एम वर्ड तो वहां पर जीनस को शो करता था तो हम इसको रब करेंगे पहले तो एम वर्ड जो था वहां पर जीनस स को शो करता था और जो इंडिका वर्ड था वहां पर स्पीशीज को शो करता था ये जो स्पीशीज वाला वर्ड था यहाँ इंडिका का था अगर हम मैंगो को ही देखें तो हमें पता है अलग अलग तरह के मैंगो आते हैं एक ही सीजन में हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैंगोज की रेंज देख लेते हैं अल्फोंसो है नॉर्मल बादाम आम है अगर हम उसको ले लें तो ऐसे करके अलग अलग तरह के आम आते हैं और सबके टेस्ट भी अलग होते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है तो सभी मैंगो तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी स्पीशीज डिफरेंट है मैंगो का जीनस तो हर जगह सेम रहेगा मैंजी लेकिन आगे का ये जो स्पीशीज वाला वर्ड है कहीं इंडिका हो जाएगा कहीं दूसरा हो जाएगा इस तरह से वहां स्पीशीज चेंज होती जाती इसी से वो जो है उनमें, उनके कलर, उनके टेस्ट कहीं ना कहीं चेंज कर जाते हैं तो एक स्पीशीज जो होगी पर्टिकुलर बादाम आम की बात करें तो वो सारे मैंगोज बादाम आम जैसे होंगे दूसरा अगर एल्फेंस हो तो वो सारे वैसे होंगे तो ये वाली चीजें यहां देखने को मिलती है नेक्स्ट है हमारे पास जीनस जीनस ये एक असेंबली होती है ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़ की अगर हम सिमिलर स्पीशीज़ का एक ग्रुप बना ले तो उसको जीनस कहा जाता है और ये जो जीनस होता है वो इन्वॉल्व होता इवोल्व होता है यहाँ इवॉल्व होना चाहिए इवॉल्व होता है फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर एक के पीछे जाकर इनका एंसेस्टर कॉमन रहा होगा जीनस की अगर हम बात करें तो उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें को रिलेटेड कैरेक्टर्स कहा जाता है अब इसको समझने के लिए कंसेप्ट लेते हैं यहाँ पर अगर हम टाइगर और लायन को देखें तो जो टाइगर होता है उसका पूरा जो साइंटिफिक नेम होता है टाइगर का वो होता है पेंथेरा टाइग्रिस पेंथेरा टाइग्रिस तो ये उसका कॉमन सॉरी साइंटिफिक नेम हो गया टाइगर का कॉमन नेम वही लायन का पैंथेरा लियो होता है तो यहाँ पेंथेरा और लियो हो जाएगा यहाँ पर तो अब इन दोनों चीज़ों में जो पी वाले वर्ड से पेंथेरा जो वर्ड है वो जीनस शो करते हैं और आगे वाली चीज़ के शो करती है स्पीशीज शो करती है तो टाइगरीस यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर लियो आ रहा है तो अब यहाँ पर इससे ये समझ में आता है कि जो जीनस वर्ड होता है तो जीनस अब यहाँ पर दोनों का पेंथरा है लेकिन टाइगर बिल्कुल अलग दिखाई देता है वहीं लायन बिल्कुल अलग दिखाई देता है तो इससे ये साबित होता है कि अगर इनके जीनस सेम है तो ये शो हो रहा है कि पीछे कहीं जाकर हम देखेंगे तो इनके जो एंसेस्टर्स रहे होंगे इनके जो पूर्वज रहे होंगे वो सेम रहे होंगे

फैमिली फैमिली का मतलब होता है अगर हम कलेक्शन कर दें सिमिलर जेनेरा का यानी जीनस का तो ग्रुप ऑफ़ जीनस इज़ नोन एज़ फैमिली सबसे पहले हमने स्पीशीज से शुरू करा था ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ को हमने कहा था जीनस होता है ग्रुप ऑफ़ जीनस को हमने कहा फैमिली होता है स्पीशीज़ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं और उनकी जो ऑफ होंगे वो एक ही जैसे दिखाई भी देंगे स्ट्रक्चर शेप और उनकी रिप्रोडक्टिव फ़ीचर्स के हिसाब से तो वो थे स्पीशीज़ उसके बाद ग्रुप ऑफ जो स्पीशीज़ थे वो जीनस थे और उनके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं अब आती है बात फैमिली की. तो कलेक्शन जब हो जाए सिमिलर जेनेरा का उसको फैमिली कहा जाता है जेनेरा uh, का मतलब यहाँ पर जीनस ही है तो इसको एक बार और देख लिया अब uh, फैमिली जो होती है वो कैरेक्टराइज होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स अगर हमें uh, यहाँ फैमिली को अगर देखना हो तो रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फीचर्स दोनों पर फोकस किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल लायन और टाइगर दोनों ही को अगर देखा जाए तो ये सेम फैमिली में आते हैं जिसे कहा जाता है फेलीडी और बल्कि ये और ऊपर वाला जो जीनस के एग्जाम्पल इन्होंने कैट लिया है वो बिल्कुल इतना सही नहीं जितना कि यहाँ होना चाहिए क्योंकि जो फैमिली होती है उसके अंदर देखा जाए तो कैट और लायन और टाइगर ये सभी अगर देखा जाए तो सभी फैमिली फेलीडी के अंदर आ जाते हैं वहीं डॉग्स दूसरी फैमिली में आते हैं लेकिन इनकी बात की जाए तो ये सारी फैमिली फेलीडी के अंदर आते हैं और इनके फिर बाद में जीनस चेंज होने लगते हैं स्पीशीज़ और चेंज होने लगती है इसी वजह से फिर अलग दिखाई देते हैं तो ये फैमिली का कंसेप्ट था नेक्स्ट चीज एक तो ऑर्डर ऑर्डर के अंदर क्या होता है बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबली ऑफ वन और मोर देन वन सिमिलर फैमिलीज अगर हम एक या एक से ज्यादा सिमिलर फैमिलीज के ग्रुप को बनाएं उनकी असेंबली करें तो उसे असेंबली मतलब एक तरह से उनका असेंबल करना उसकी असेंबली को तैयार करें तो उसको ऑर्डर कहा जाता है हम स्कूल की असेंबली की यहाँ बात नहीं कर रहे तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ ना होगा तो ये ऑर्डर कहलाता है अब फैमिली फेलिटी जो होती है उसको ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर डाला जाता है ऑर्डर कार्निवोरा का जो बेसिक uh, डेफिनेशन वो होती है जो ऑर्गेनिजम्स कार्निवोर्स होते हैं जो कि दूसरों के जो फ्लैश होता है उस पर फीड करते हैं और एक तरह से नॉन वेजिटेरियंस होते हैं तो वो ऑर्डर कार्निवोरा होता है बेसिक इसकी डेफिनेशन ये होती है ऑर्डर कार्निवोरा की तो फैमिली फेलिडिक ऑर्डर कार्निवोरा में आती है अब क्लास की बात कर लेते हैं क्लास क्या होता है क्लास में ही होता है क्लास जो होती है वो सब डिविजन होता है विद इन अ फाइलम फाइलम का सब डिविजन कहलाता है क्लास और ये बना होता है एक या एक से ज्यादा ऑर्डर का तो अगर ऑर्डर के ग्रुप को बनाते हैं तो उसको क्लास के ऑफ ऑर्डर इज नोन एज क्लास क्लास मेमिलिया जो अगर उसका एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके अंदर मेमल्स होते हैं मेमल्स के अंदर मंकी गोरेला गिबॉन मैन सब कुछ आ जाते हैं मेमल्स वो होते हैं जो कि यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं और उनकी बॉडी पे टाइनी हेयर्स प्रेजेंट हेयर प्रेजेंट हो सकते हैं तो छोटा सा एग्जांपल था वैसे इसके ऊपर इतना देखा जाए तो ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर क्लासेज अगर ग्रुप ऑफ क्लास बना दिया जाए तो उसको फाइलम कहते हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो एनिमल्स आ जाते हैं वो क्लास मैमे आ जाती है तो पहले फाइलम कॉर्डेटा था उसके अंदर क्लास मैमे आ जाती है और पूरे कॉर्डेटा में देखें तो फिशेज रेप्टाइल्स बर्ड्स और एम्फीबियंस उसके अंदर आ जाते हैं फिशेज यानी हमें पता है रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्रॉल क्रॉलिंग शो करते हैं दीवार पर थोड़ा सा अपनी बैली को रब कर कर चलने वाले एनिमल्स को रेप्टाइल्स कहा जाता है बर्ड्स जो होती है फ्लाई करती है एम्फीबियंस हमें पता है वो जो ऑर्गेनिज्म जो दोनों लैंड और वाटर में रह सकते हैं एम्फीबियंस कहा जाता है और मैमेलिया तो यहाँ पर है ही तो ये पाँच क्लासेस इसके अंदर आ गई नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम तो किंगडम जो होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द टॉप मोस्ट एक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉल्ड किंगडम सब पूरे ये जो सात की लिस्ट है सेवन लिस्ट जो है उसमें से टॉप पोजिशन पे किंगडम ही आता है और सारे एनिमल्स को अगर देखा जाए तो वो किंगडम एनिमिलिया में आते हैं और सारे प्लांट्स को अगर हम देखें तो वो किंगडम प्लांटे में आते हैं तो दो किंगडम्स होते हैं बेसिकली एक होता है एनिमेलिया और दूसरा होता है प्लांटे वैसे और भी किंगडम्स होते हैं हम आजकल जो क्लासिफिकेशन यूज करते हैं वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है पूरा

ये पांच किंगडम में होते हैं तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ये डिटेल थोड़ी उधर जब हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वहाँ पर डिटेल में इस चीज को समझेंगे तो यहाँ पर यही कहने कहने का मतलब है कि दो तरह के किंगडम्स होते हैं एक होता है किंगडम एनिमिलिया और दूसरा होता है किंगडम प्लांटी एंड किंगडम जितने भी प्लांट्स होते हैं तो उनको किंगडम प्लांटी में डाला जाता है और जितने भी एनिमल्स हैं उनको किंगडम एनिमिलिया के अंदर डाला जाता है अब क्या होता है ये जो यूनिट है किंगडम ये डिनोट करती है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फीचर्स इज नोन एज फीचर अगर हम ये जो ग्रुपिंग कर रहे हैं और अलग अलग चीजों में डाल रहे हैं तो ये जो एक एक सेवन पोजीशन पे चीजें थी उनको टेक्सॉन कहा जाता है तो हमने सात नाम देखे किंगडम फाइलम फिर उसके बाद हमने देखा क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज ये सात नेम्स हमने देखे अब मैं यहाँ पर सेवन कैटेगरीज को यहाँ पर शो करती हूँ सबसे पहले था किंगडम दूसरा था फाइलम थर्ड था क्लास फिर थी ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज़ टॉप पोजीशन पे किंगडम है लोवेस्ट पोजीशन पे स्पीशीज़ है अब जैसा ये ऑर्डर है वैसे ही हमें उसको याद करना होता है हम इसको चेंज नहीं कर सकते किंगडम की बात की जाए तो किंगडम में सबसे पहले कौन सा आता है यहाँ पर एनिमिली अच्छा यहाँ एग्जाम्पल इसको देखने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मैन का एक ह्यूमन को अगर देखें तो उसकी पोजिशन कैसी कैसी होगी अगर मैन को देखें तो हम लोग एनिमल्स बैंकेंगे के प्लांट्स बैएंगे हम एनिमल्स पाएंगे तो हमने किंगडम एनिमिलिया यहाँ पर लिख लिया फिर उसके बाद आगे देखें तो फाइलम हमारा क्या होना चाहिए फाइलम हमारा कॉर्डेटा होना चाहिए क्लास हमारी कौन सी होना चाहिए हमारी मेमेलिया होना चाहिए ऑर्डर हमारा प्राइमेटा होता है फैमिली हमारी होमिनिडी होती है प्राइमेटा वो होते हैं जिनके जनरली हैंड में थम्स प्रेजेंट होते हैं प्राइमेट्स होते हैं हम लोग तो हमारे हाथ में थम्ब होगा आपने ध्यान देंगे तो हमारी पूरी फिंगर्स के पूरे नाम नेम्स हमें पता होना चाहिए हम तो है वहाँ पर फिर फैमिली को देखें तो हमारी होमिनिटी होती है जीनस हमारा होमो होता है और स्पीशीज हमारी सेपियंस होती है तो हम लोग होमोसेपियंस कहलाते हैं हमारा साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस जब साइंटिफिक नेम बनाते हैं तो हम सिर्फ इन दो चीज़ों पर फोकस करते हैं इतनी सारी चीज़ों को हम जब लिखते हैं जब हमें पूरा क्लासिफिकेशन पूछा जाता है जब पूरा क्लासीफिकेशन पूछा जाएगा तो हम ये सेवन नेम्स को मैंशन करेंगे और अगर नहीं पूछा जाता है सिर्फ साइंटिफिक नेम पूछा जाता है तो हम लिखते हैं होमोसेपियंस जिसमें पहला वर्ड जीनस शो करता है और वर्ड स्पीशीज को शो करता है तो ये था टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैन यहां पर क्या होता है ये जो सेवन इसे लर्न करने के लिए टिप होती है इसको लर्न करने का एक निमोनिक होता है हम उसको देखते हैं कीप पॉट्स क्लीन कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक और फैमिली गेट सिक इसका मतलब क्या होता है कि एक तरह से एक सेंटेंस है तो यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि ये जो के वर्ड है यहाँ किंगडम को शो कर रहा है पी वर्ड फाइलम को सी वर्ड क्लास को ओ वर्ड ऑर्डर को एफ वर्ड एम फैमिली को जी वर्ड जीनस को और एस वर्ड स्पीशीज़ को तो ये लर्न करने की इसके लिए एक कृति नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अब यहाँ पर जो हमने टेक्सोनोमिकल हायरार्की देखी थी उसमें सिमिलरिटी डिक्रीजेस होती है और डिफरेंसेस वहाँ पर इंक्रीज करते हैं ये टेक्सोनोमिकल हायरार्की डेफिनेशन होती है यहाँ उसका एक एग्जाम्पल लास्ट देख लेते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर होता है स्पीशीज जो होती है स्पीशीज उसके एग्जाम्पल अगर देखना हो तो जैसे यहाँ देखेंगे पेंथेरा लियो यानी लेपर्ड पेंथेरा पार्डस या, यानी कि जो पेंथर होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर सॉरी पेंथेरा लियो का मतलब लायन पेंथेरा पार्टिस का मतलब होता है पेंथर पेंथेरा टाइग्रिस का मतलब होता है टाइगर तो यहाँ क्या हो रहा है स्पीशीज आप देख सकते हैं यहाँ लियो थी यहाँ पर पार्डस थी और यहाँ पर टाइग्रिस थी तो स्पीशीज सब में डिफरेंट हो रही है और पीछे का जो पेंथरा वर्ड है वो तो जीनस को शो करता है तो जीनस सबके सेम है सबके जीनस सेम है और स्पीशीज सबकी डिफरेंट है इसी वजह से लायन अलग दिखता है टाइगर अलग दिखता है और जो पेंथर होता है वो बिल्कुल अलग दिखता है अब जीनस की बात करते हैं तो जीनस में क्या होता है जीनस में हम एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से ले रहे हैं पेंथरा का तो जो जीनस पेंथरा है उसमें लाइन भी आ जाएगा लेपर्ड भी आ जाएगा और टाइगर भी आ जाएगा और सॉरी पार्डस को मैंने यहाँ पेंथर कह दिया है यहाँ लेपर्ड वर्ड होना चाहिए था मेरा ध्यान नहीं था उस पर तो सॉरी उसको मेंशन यहां फिर से कर दिया हमने अब फैमिली की बात करते हैं फैमिली जो होती है पैंथरा और फेलिस जो होती है इस तरह की फैमिलीज होती है और ये पैंथरा वाले और फेलिस वाले दोनों ही जो फैमिली में आते हैं उसको कहा जाता है फेलिडी तो पैथेरा एक जीनस था फेलिस एक जीनस था और ये दोनों चीजें किस चीज में आ गई फेलिडी के अंदर आ गई फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर ऑर्डर का एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे दिया गया कि जो फेलिडी कैट फैमिली होती है फेलिडी का मतलब होता है कैट फैमिली क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो बिल्ली है बिल्ली तो कैट है ही वहीं जो टाइगर लाइन

तो ऑर्डर तो यहाँ पर हो गया कार्निवोरा अब क्लास की बात करते हैं तो जो कार्निवोरा ऑर्डर था जो अभी हमने ऊपर देखा जिसमें टाइगर कैट डॉग था प्राइमेट्स की बात करें जिसमें मंकी था तो जो कार्निवोरा था एक तरह का ऑर्डर था प्राइमेट्स जो है वो भी एक तरह के ऑर्डर होते हैं जैसे अभी हमने ह्यूमंस का एग्जांपल लिया था तो हम प्राइमेट्स में आते हैं और टाइगर कैट डॉग ये सब किस में आते हैं ऑर्डर कार्निवोरा में आते हैं तो इस तरह के ऑर्डर्स को जब मिला दिया जाता है तो क्लास बनती है और क्लास इन लोगों की सबकी क्या है मेमलियन है तो मैमल्स यहाँ पर क्या है क्लास है कार्निवरा यहाँ पर ऑर्डर था प्राइमेट्स यहाँ पर ऑर्डर था प्राइमेट्स में जैसे मंकीज़ एग्जाम्पल है टाइगर कैट डॉग भी यहाँ एग्जाम्पल है आई होप समझ में आ रहा हो फाइलम को देखें तो फाइलम में पाइसेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एव्स और मैमल्स आ जाते हैं पाइसेस का मतलब होता है मछलियाँ एम्फीबियंस दो दोनों जगह रह सकते हैं पानी में लैंड पर दोनों पे रेप्टाइल्स जो कि क्रॉलिंग शो करते हैं एवस बर्ड्स को कहते हैं और मैमल्स जिसमें ह्यूमंस आ जाते हैं उन्हें कहा जाता है अब जो फाइलम होता है फाइलम में ये सारी जो क्लासेस क्लास स्पाइसेज ये सब जो पाँच नाम हमने देखे ये सब कौन सी क्लासेज है और फाइलम के अंदर हम देख रहे हैं तो फाइलम ग्रुप ऑफ क्लासेज होता है तो फाइलम को अगर देखा जाए तो अगर इन सारी चीज़ों को एक फाइलम में रखना होगा तो इन सब चीज़ों का फाइलम होता है कॉ डेटा हम लोग किस फाइलम में आते हैं कॉ डेटा फाइलम में आते हैं अब हमारा किंगडम देखने का लास्ट है तो किंगडम दो तरह के होते हैं प्लांटी और एनिमिलिया प्लांट्स ऐसी चीज़ें प्लांट में एनिमल वाली चीज़ें एनिमल्स में हम लोग किस में आते हैं प्लांटी में या एनिमिलिया में तो हम लोग आते हैं एनिमिलिया के अंदर तो ये थी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एक चीज़ यहाँ पर बहुत

फाइलम वाला पोर्शन था उस फाइलम की जगह पे अगर प्लांट्स के लिए हम लोग वहां पर देखेंगे तो डिवीजन आ जाएगा तो ये प्लांट्स के लिए डिवीजन पर आ जाएगा नाम ये एक फिगर है आपके सामने ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है तो फाइलम और डिवीजन यहां पर ऐसे इस तरह से मेंशनड है तो हमने ये भी यहां पर देखा अब बात आती है टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है एड्स यहां पर उसका मतलब ये है कि जो भी चीजें हमें हेल्प कर रही ऐड कर रही है कि हम लोग ये जो डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटी है स्पेसीमेंस होते हैं बायोडाइवर्सिटीज़ को कैसे भी करके प्रिजर्व कर ले फॉर द फ्यूचर जनरेशन तो उसके अंदर जो चीज़ें हेल्प करती है उसको डेक्सोनोमिकल एड्स कहा जाता है तो बायोलॉजिस्ट हैव हैब्लिश्ड सर्टन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसीमन हम किसी भी तरह से ये जो पूरा डाइवर्सिटी इनकी जो इन्फॉमेसन है और इनकी जो स्पेसीमन है स्पेसीमन होता है कि उनका कोई रिमेन हम प्रिजर्व कर लें और वहीं उसकी इन्फॉर्मेशन तो रिटर्न होगी तो इन दोनों ही चीजों को अगर हम प्रिजर्व कर पाते हैं तो उसको कहा जाता है टेक्सोनोमिकल एड की मदद से हमने उसको प्रिजर्व करा अब जो टेक्सोनोमिकल एड्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं पहला होता है हर्बेरियम तो एक तरह का स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस का जहाँ पर हम प्लांट के स्पेसिमेंस को कलेक्ट करते हैं कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस को यहाँ पर पहले ड्राई किया जाता है पहले आप कोई भी जैसे आप लीफ का स्पेसीमेंट बना रहे हो मतलब किसी भी प्लांट की लीव्स के ऊपर आप हर्बेरियम बना रहे हो तो आप कोई भी लीफ लाए लाओगे उसको ड्राई करेंगे सुखाएंगे प्रेस करेंगे फिर उसके बाद उसको प्रिजर्व करेंगे शीट्स के ऊपर फिर उसको अरेंज करेंगे सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब हम वो लीफ लेंगे हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि कौन सी वाली लीफ लीफ है 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 फिर हम उसका उसका वो जो जो पूरी से से किंगडम फ़ाइलम ऑर्डर क्लास फैमिली स्पीशीज उन सारे के हिसाब का पूरा क्लासिफिकेशन होता उसको नोट डाउन करते हैं तो इस तरह से हर्बेरियम बनाया जाता है और उसके सारे को वहाँ पर करना होता है। किस दिन आपने उसको, हर्बेरियम को तैयार करने के लिए ये प्लेस कहाँ कौन सी थी कहाँ से इसको लाया गया है इस लीफ को आप गार्डन से लाए आपकी लोकेलेटी से लाए हैं कहाँ से भी लाए हैं उसका नाम यहाँ आएगा कलेक्शन जो है प्लेस ऑफ द कलेक्शन हो गया फिर साइंटिफिक नेम क्या है उस लीफ का फॉर एग्जांपल उसको लिखेंगे फैमिली उसका कलेक्ट और कलेक्टर्स का नेम यानी जो आपका नाम है आप वो लिखेंगे अगर आपने उसको लाके उस वहाँ हर्बेरियम में रखा है तो आपका नाम वहाँ आएगा और इस तरह से पूरा स्पेसिमेंट तैयार होता है तो इसको कहा जाता है हर्बेरियम अब हर्बेरियम के टाइप्स देखते हैं हर्बेरियम शीट और उसके डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहले भी आता है होलो

एक आइसो टाइप तो है हमारे पास डुप्लीकेट है लेकिन वो किसी और प्लांट से हम लेकर आए है, है वही लीफ वगैरह लेकिन प्लांट तो दूसरा है अब अगर हम लोग फिर से वही प्लांट पर चले जाए जो सबसे पहले होलो टाइप के अंदर से हम वो लीफ लाए थे और सब कुछ पहले जैसा करें उसी जगह जाए उसी तरह की लीफ लाए तो इस तरह के हरबेरियम को जब पहला वाला होलो टाइप गुम हो जाए और हम बिल्कुल ओरिजिनल जैसा सब कुछ बनाए तो उसको लेक्टो टाइप कहा जाता है उसके बाद बात आती है आइसो लेक्टो टाइप की तो इसका मतलब क्या होता है अगर ये जो लेक्टो टाइप है अब इसका डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि

ऑफ स्पीशीज कॉल्ड सिंटाइप तो इस तरह से अगर हम और भी हर्बेरियम शीट एक ही प्लांट से बनाते जाए क्योंकि हमारा होलो टाइप भी घूम गया टाइप भी खराब हो गया घूम गया कुछ भी हम कह सकते हैं और फिर से हम उसी प्लांट के अंदर से फिर बनाने जाते हैं तो उसको सिन टाइप का नाम दिया जाता है तो ये टाइप्स ऑफ हरबेरियम शीट्स जिसकी टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए अब आइसो सिन टाइप क्या होता है वो एक तरह का डुप्लीकेट स्पेसिमेन होता है सिन टाइप का हमारा अगर सिन टाइप का डुप्लीकेट हम बना रहे हैं तो उसको आइसो सिन टाइप कहते हैं अब बात आती है न्यू टाइप क्या होता है ये एकदम न्यू है अगर होलो टाइप अगर घूम जाए और होलो टाइप जिस जिस प्लांट की आपने लीफ ली थी वो प्लांट भी लॉस्ट हो जाए आपकी बार पूरा प्लांट ही खत्म हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में जो हर्बेरियम शीट प्रिपेयर की जाती है दूसरे प्लांट से की जाती है लेकिन वो जो दूसरा प्लांट है वो कैसा रहता है सेम स्पीशीज़ का रहता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको नियोटाइप कहा जाता है तो ये थी न्योटाइप की डेफिनेट आइसोनियो टाइप अगर आप डुप्लीकेट स्पेसिमन बनाया जा बनाया जाएगा नियोटाइप का तो उसको आइसोनियो टाइप कहेंगे और लास्ट है पैराटाइप एडिशनल डिस्क्रिप्शन शीट यूज इन द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड पैराटाइप अगर हम एडिशनल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जो नॉर्मली कहा गया वो डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद और भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन है अगर हम वो भी मैंशन कर देते हैं हमारे हर्बेरियम में तो ऐसे वाले प्लांट डिस्क्रिप्शन बनाने वाली चीज़ को पैराटाइप कहा जाता है और ये प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम सम अदर प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज हैविंग सेम वेरिएशन दूसरे प्लांट जो कि सेम स्पीशीज़ के हो और उनमें सेम वेरिएशन हो उनके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती तो ये था पैराटाइप बॉटनिकल गार्डन्स ऐसी जो प्लांट्स जहाँ पर लिविंग प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है उसको बॉटनिकल गार्डन्स कहा जाता है एन बी आर आई जो कि लखनऊ है आई बी जी हावरा यहाँ जो है बॉटनिकल गार्डन्स जो है इनके है और जो कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट स्पीशीज का जो कि ग्रोन होते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस उन्हें बॉटनिकल गार्डन कहा गा जाता है हर प्लांट में अपना खुद का लेबल लगा होता है जो कि उसका साइंटिफिक नेम बताता है और फैमिली बताता है कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन्स के यहाँ पर नेम्स हैं सम फेमस बॉटनिकल गार्डन्स आर इंडियन बॉटनिकल गार्डन कैलकाटा लार्जेस्ट इन इंडिया रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि क्यू जो लार्जेस्ट है इन वर्ल्ड टिल डेट है और नेशनल बॉटिकल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये कुछ बॉटनिकल गार्डन्स है इनके पिक्चर्स भी है तो ये कुछ मेजर बॉटनिकल गार्डन्स है रॉयल बॉटनिकल गार्डन लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन तो ये इसका पिक्चर है ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन जो है वो पेडुआ बॉटनिकल गार्डन है इटली के अंदर आ, फिर उस पर आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता ये इंपॉर्टेंट है फिर एग्री एगरी कल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया अलीपुर कोलकाता कोलकाता आसाम स्टेट जू कम बॉटनिकल गार्डन गुवाहाटी के अंदर है फिर बॉटनिकल गार्डन नियर सारंगपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो इम्प्रेस गार्डन है पुणे में गार्डन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल ये सब है बॉटनिकल गार्डन्स के बाद आती है बात म्यूज़ियम की ये एक रिपोजिट्री होती है जहाँ पर कलेक्शन होता है वेरियस प्लांट और एनिमल स्पेसीमेंट्स का हम उसको प्रिजर्व कर कर वहाँ पर रखते हैं फॉर स्टडी एंड रेफरेंस अब जिन ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व किया जाता है या तो उसको प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखा जाता है या फिर हम उसको जो स्पेसीमेन होता है उसको पूरी तरह से ड्राई कर देते हैं तो इस तरह से भी रखा जाता है एंड ऑफन इट हैज़ अ कलेक् और यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है जो कलेक्शन होता है स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स वो भी रखे जाते हैं तो म्यूज़ियम्स में स्पेसीमेन हो सकते हैं ड्राई स्पेसीमेंट्स हो सकते हैं uh, सोल्यूशंस में स्पेसिमेन हो सकते हैं या फिर उनके स्केलेटन भी हो सकते हैं तो ये थी म्यूजियम की बात जूलॉजिकल पार्कस जो होते हैं वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड एन्वायरमेंट्स में और ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडिंग द बिहेवियर एंड फूड हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स तो यहाँ पर हम जो एनिमल बिहेवियर होता है उसको स्टडी कर सकते हैं और जो एनिमल की फूड हैबिट्स होती है वो भी समझ सकते हैं तो जूलॉजिकल पार्क जिसको नॉर्मली हम, हम हमारी लैंग्वेज में जू कहते हैं उसी को जूलॉजिकल पार्कस कहा जाता है तो ये बात जूलॉजिकल पार्क से ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड था कीज़ की बात की जाए तो ये एक एनालिटिकल होती है नेचर के अंदर और की का यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज़ इसके लिए यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक फ़िगर दे दिया जाए फिगर दिया जाए मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ लेकिन हम यहाँ पर मानते हैं ये डक का फिगर एक हमारे सामने और ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाए कि आपके सामने क्या कोई एनिमल है या प्लांट है इस तरह से कीज़ होती है कीज़ में क्या लिखा देते हैं क्वेश्चन होते हैं एनिमल है या प्लांट है तो हम डक को देखेंगे एनिमल है टिक कर लेंगे फिर उस पर होगा कि ये बर्ड है या फिर ऐसा कुछ लिखा होगा बर्ड है फिश है कि जो भी ऐसे करके ऑप्शन रहते हैं वहां पर कीज इस तरह से होती है बर्ड है फिश है या ह्यूमन है जो भी इस तरह से पूरी एक लिस्ट होती है तो हम देखेंगे ये तो बर्ड जैसे दिख रही है तो हम बर्ड पे टिक कर देंगे फिर मान लो वहां पर ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि उसके जो जो फीट है क्या वो फ्लाई करती है ऐसा भी हो सकता है फ्लाई करती है या फ्लाई नहीं करती है ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है तो हम वहाँ पे टिक कर देंगे फ्लाई नहीं करती क्योंकि डक फ्लाई नहीं करती तो हम उस पर टिक कर देंगे फिर उसके बाद वहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन हो कि क्या वो उसके जो फीट है वो वेब्ड है कि नहीं फीट वेब्ड है वेब्ड का मतलब कि इस तरह से हम डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं कि कुछ इस तरह से उनके फ़ीट होते हैं तो ये मान लीजिए फीट है और ये यहाँ पर वेब्ड है ये स्विमिंग बहुत अच्छे से कर सकती तो है तो ये वेब्ड फीट होते हैं तो वेबड फीट जो है वो वेब्ड है या नहीं या फिर उसमें क्लॉज है किस तरह के फीट है तो हम टिक कर देंगे कि ये वेब्ड फीट वाले तो इस तरह से ये जो सारे फीचर्स जैसे ही मैच करेंगे तो लास्ट में आप हमें आंसर पता पड़ जाएगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म हमारे सामने है, वो डक थी अभी तो हमें पहले से पता था कि ये डक है लेकिन वहाँ पर एक फोटो होता है जिसको टिक करते हुए हम नीचे जाते तो ये होता है की के बारे में थोड़े और एग्जाम्पल्स देख ले मोनोग्राफ का मतलब होता है एक फैमिली एक एट ए टाइम अगर फोकस किया जाए एक फैमिली या फिर एक जीनस को फोकस करेंगे तो मोनोग्राफ कहते हैं दूसरी चीज है मैनुअल्स क्या होता है तो पर्टिकुलर एरिया फैमिली या फिर जीनस या स्पीशीज पर अगर फोकस किया जाए तो उससे मैनुअल्स कहते हैं उस पर अगर बनाया जाए किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर फैमिली जीनस स्पीशीज देखी जाए तो मैनुअल्स है फिर फ्लोरा फ्लोरा का मतलब होता है हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स इन एन गिवन एरिया किसी गिवन एरिया में अगर हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं हैबिटेट को तो उसको हैबिटेट या नहीं रहने की जगह तो उसको हम फ्लोरा कहते हैं फ्लोरा वर्ड प्लांट से रिलेटेड होता है और फोना वर्ड एनिमल से रिलेटेड होता है तो इससे ये साबित होता है मैनुअल्स मोनोग्राफ कैटलॉग्स ये सब दूसरे और भी रास्ते हैं जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के डिस्क्रिप्शन को और मैनुअल जो होता है वो हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी एक गिवन एरिया में मोनोग्राफ जो होता है वो डिटेल्ड और वेल डॉक्यूमेंटेड वर्क होता है किसी भी पर्टिकुलर टेक्सॉन के ऊपर तो हमारे सामने यहाँ पर एक वीडियो है जिसमें स्पेसीमेंट्स को शो किया गया है और स्पेसीमेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं यहाँ जो पोलर बियर का स्पेसिमेंट टाइप दिखाया गया है और ये कुछ और ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि फिश वगैरह तो उनके भी स्पेसीमेंट्स यहाँ पर शो किए जा रहे हैं फिर इसके बाद ये स्पेसीमेंट्स जो कि जार्स जो होते हैं उसमें प्रिजर्व फॉर्मेट में दिखाए गए हैं क्योंकि इस तरह से भी प्रिजर्व किया जाता है ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर है ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अभी ड्राइड तरह का स्पेसीमेन है इसको किसी प्रिजर्वेटिव फ्लूड में नहीं रखा गया है तो ये इस तरह की चीज़ें हो सकती है ड्राइड स्पेसीमेन यहाँ पर शोन है फिश का है और ये शार्क दिख रही है बेसिकली हम देख सकते हैं हमारी तरफ से तो ये एक तरह से हमें ड्राइड स्पेसीमेन शो किए जा रहे हैं तो ड्राइड स्पेसीमेन इस तरह से होते हैं और प्रिजर्व वाले जो स्पेसीमेन्स एक तरह से जो प्रिजर्वेटिव फ्लूइड में होते हैं वो भी हमने देख लिए तो ये प्रिजर्वेटिव फ्लूड का है हम इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर उसका एक फिगर वीडियो में है ही तो ये इस तरह से प्रिजर्वेटिव फ्लूड रहता है बेसिकली ये फॉर्मल डिहाइड होता है जिसके अंदर इन्हें प्रिजर्व किया जाता है अब यही ड्राइड स्पेसमैन को हमने प्रिजर्वेटिव फ्लूड में रख दिया है क्योंकि वो वहां ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व हो पाएगा तो इसी को प्रिजर्वेटिव फ्लूड में रख दिया और नेम टेक्स उस पर जरूर लगाए जाते हैं उसका पूरा क्लासिफिकेशन उस उसपे लिखते हैं उसका नेम वगैरह सब कुछ वहाँ होता है तो ये कुछ और स्पेसिमेंट्स के बारे में था हमने जो अभी देखा जो डिटेल्ड जरूरी था हमारे लिए इस चैप्टर में रिलेटेड था और भी हम लोगों को स्पेसिमेंट्स स्कूल कॉलेजेस में देखने को मिल ही जाते हैं तो ये वो चीजें थी जो हमने यहाँ पर देखी तो ये भी इस तरह से दिखाई दे रहे हैं इस तरह से पूरे ऑर्गन्स भी प्रिजर्व रह सकते हैं स्केलेटल की भी हमने बात की थी सो दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हम कह सकते हैं नीट और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट था तो सारे बेसिक पॉइंट्स हमने यहाँ स्कूल बोर्ड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको कवर अप किया नीट के लिए भी मैंने पूरी पूरी कोशिश करी कि यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स जो होती है उसको मैंशन करते हुए चलूँ पर फिर भी अगर इसमें कमी है तो जो मैंने नीट के ऑब्जेक्टिव को जो अपलोड कर रखे हैं उनको प्लीज़ देखना वीडियोज़ को लिविंग वर्ल्ड के ऊपर भी है तो उससे क्या होगा ये जो बेसिक जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएगा और जो पॉइंट्स हमारे मिस हो जाते हैं कभी तो वो व्वेश्चन्स में कवर अप हो जाते हैं सो दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी एंड डोंट फरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच हैप्पी लर्निंग और इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन होगा